ओडिशा के पुरी से, जहां पर पैसों की कमी की वजह से बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना टिकट लौटा दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुचारिता मोहंती, जिन्होंने टिकट वापस कर दिया। कांग्रेस का टिकट लौटाते हुए उन्होंने कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस की तरफ से मिलने वाली राशि नहीं दी गई, जिस वजह से वो प्रचार नहीं कर पा रही हैं, उन्हें चुनाव लड़ने में दिक्कत है और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का टिकट वापस कर दिया है। तो कांग्रेस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। अभी बीते दो तीन दिन पहले ही इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, हालांकि उनकी अलग वजह थी। लेकिन ओडिशा में भी कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ओडिशा में पुरी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुचारिता मोहंती, उन्होंने कांग्रेस संगठन को अपना टिकट वापस कर दिया। संबित पात्रा के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतारी गई थी और सुचारिता मोहंती जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने टिकट लौटाते हुए कांग्रेस महासचिव को चिट्ठी लिखी है। जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, ये बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई कांग्रेस के सामने कि कहीं कोई नामांकन वापस ले रहा है तो कहीं कोई टिकट वापस कर दे रहा है। बिल्कुल अवधेश, पुरी से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं सुचारिता मोहंती, उन्होंने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी से उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा है और वो खुद से फंड अरेंज नहीं कर पा रही हैं और इस वजह से वो टिकट वापस कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है अपनी चिट्ठी में कि वो कांग्रेस में बनी रहेंगी, लेकिन ये वाकई में एक अजीब बात है कि कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे जो चुनाव गंभीरता से लड़े। हमने इससे पहले सूरत और इंदौर में देखा और अब जो है, हालांकि मामला दूसरा है, वजह दूसरी है, लेकिन अब पुरी में भी कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार है सुचारिता मोहंती, उन्होंने टिकट वापस कर दिया है। हालांकि गनीमत यह है कि पुरी सीट पर चुनाव छठे फेज में है, जिसमें नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है वो सोमवार है। बिल्कुल, वो एक रास्ता बचेगा, लेकिन ये जरूर असहज स्थिति कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।